बच्चों, पिछली तासिका के समय पन्ना नंबर 67 पर पाठ क्रमांक 9 रथचक्र इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया है। रथचक्र यानी जीवन चक्र, रथ का घूमता पहिया या अर्थात जीवन चक्र, इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया था। इसके आगे हम बढ़ेंगे, उसके पहले जैसे पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था, क्योंकि पिताजी के अकाल मृत्यु होने के कारण आप सब जिम्मेदारियां बाबा के कंधों पर आ गई थी और बाबा की आयु भी ज़्यादा हो गई थी, फिर भी वो अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए बड़े नरेंद्र को अल्मोड़ा पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं और यह कहने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। उसी दिन मुझे लगता है कि बड़े भाई को बुलाकर बाबा जी क्या कहते होंगे, यह सुनने के लिए व्याकुल थे। लेकिन जब बड़े भैया बाहर से आते हैं और कहते हैं, भैया बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊँ तो तू घर का काम देख लेगा, मेरे पीछे तू घर का काम देख लेगा और अपने बाबा जी को काम में मदद करेगा, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि पिताजी का सपना है कि अपना जो बड़ा बेटा है नरेंद्र अल्मोड़ा जाकर आगे की पढ़ाई करे और बाबा जी अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए मुझे अल्मोड़ा पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, मेरे पीछे तू घर का काम देख लेगा। भैया, मेरी समझ में बात आई नहीं, भैया पढ़ने जाए ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना करना होगा। ये बात समझाने के लिए वो क्या करता है, अपने भैया से पूछता है। तब भैया कहते हैं कि तू बाबा जी का काम में मदद करना, घर का देखना और खूब पढ़ लिख कर बड़ा होना, यही तो पिताजी का सपना था, ये पूरा करना चाहते हैं अपने बाबा जी, इसलिए मुझे वो पढ़ने के लिए अल्मोड़ा भेज रही है और उनका सपना है कि दोनों बच्चे होनार निकल गए तो मेरी ज़िंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, अपने बाबा जी पिताजी का नाम रहे, इसलिए वे मुझे पढ़ाई करने के लिए अल्मोड़ा भेज रहे हैं। इसके आगे देखते हैं हम। बड़े भैया फौज में चले गए, सॉरी उसके पहले का पैराग्राफ यहाँ तक आए थे हम। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे, शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा न भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे लेकिन मेरे बच्चे तो ये खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था, आंगन के आगे लगे माल्टो की पौध वही लाया था। हमारा नरेंद्र बड़ा फलों का शौकीन था, आंगन में लगे बड़ा माल्टो का पौधा वही लाया था चौबटिया से, यानी माल्टो का पौधा कहाँ से लाया था वो गांव का नाम बताए, चौबटिया से। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर, अब इसे फल लग रहे हैं, खूब फल आएंगे इस वृक्ष पर यानी पेड़ पर। आगे बड़े भैया फौज में चले गए, धीरे धीरे उनकी पदोन्नति होती गई। देखो बड़े भैया फौज में चले गए और धीरे धीरे उनकी पदोन्नति यानी बड़े अफसर हो गए। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली, मैंने दिल्ली में क्या किया, नौकरी यानी काम। इस बीच बाबा चल बसे, और मैं दिल्ली नौकरी करने के लिए आया तो इसी बीच क्या हुए, बाबा चल बसे यानी भगवान के घर गए हुए, पहले पिताजी उसके बाद बाबा। घर में केवल माँ ही रह गई थी बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर आया तो बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके मैंने देवताओं के पास रख दिया था। देखो पिछली बार जब मैं घर आया तो मैंने क्या किया, धूल और धुएं से ढका बाबा का जो फोटो था मैंने उसे साफ करके मैंने अपने देवताओं के पास रख दिया, यानी जहाँ भगवान रखते हैं उसके बाजू में मैंने अपने बाबा जी का फोटो रख दिया था। आगे तुम अकेली क्यों रहती हो माँ, मैंने पूछा तो माँ बोली तो कहाँ जाऊँ, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। देखो वो अपने बच्चे से, छोटे बच्चे से कहती है, वो कहता है कि तुम अकेली क्यों रहती हो माँ, मैंने पूछा तो माँ बोली तो कहाँ जाऊँ, तपन का कोई भरोसा नहीं। तपन यानी उनका बड़ा भाई जो मिलिट्री फौज में गया था।
तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, तू शादी करता नहीं, यानी वो नरेंद्र को कहती है, तू शादी करता नहीं, मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं तेरे। और वह कहती है, ये बड़े बड़े डांडे पहाड़ी मुझे अच्छे लगते हैं अपने बेटे को माँ कहती है, और अपने नरेंद्र को कहती है, तू शादी करता नहीं, मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं रे, जिंदगी के कुछ दिन रह गए हैं, अब मेरे जिंदगी के कुछ दिन रह गए हैं, वे भी यही बीत जाए बस इतनी ही इच्छा है, वे भी दिन यही बीत जाए है बस यही इच्छा है। माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो। देखो वो अपनी पत्नी अपनी माँ को ही ढूंढने के लिए कहता है, माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके, अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। देखो माँ को अपने दिल्ली में बैठा काम को जा रहा बच्चा अपनी माँ से कहता है, अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा, भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी, और उसी समय बड़े भैया को भी छुट्टी मिल जाएगी। वो क्या कहता है अपनी माँ को ऐसा कहता है और आगे जाता है। इस तरह से बेटा अपनी माँ को समझाते हुए क्या करता है, फिर नौकरी करने के लिए काम पे चला जाता है। आगे भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा, और जब भैया को छुट्टी मिलेगी उस वक्त पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। देखो उसके बड़े भैया जो मिलिट्री में थे ना, उन्होंने क्या किया था, बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी, पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता न था, और बड़े भैया की जो भाभी थी वो केरल की थी, यानी केरल राज्य में रहने वाली थी। पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता नहीं था, और यहाँ की जो जिंदगी निजी वातावरण है पहाड़ों का, जहाँ वे छोटे से बड़े हो गए थे, वो कहते हैं, पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। एक बार अम्मा यानी लेखक की माता जी कुछ दिनों के लिए महीने बिताने के लिए गई थी, थोड़े ही दिनों में वापस लौट आई। वहाँ की जिंदगी उन्हें रास न आई, रास न आना यानी पसंद न होना, अच्छा न लगना, पसंद न आना। पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा, वहाँ की जिंदगी उन्हें रास न आ पाई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ का लिखवाया पत्र, तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ लिए, तपन को लिख दिया है वह भी आएगा, चैत में शादी होगी। एक दिन दिल्ली को क्या करती है माँ, खत भेजती है, मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ का लिखवाया पत्र मिला था, तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को भी लिख दिया है वह भी आएगा, चैत में शादी होगी। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी, पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था, भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जयसूर की तरह मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ का लिखवाया पत्र मिला था, तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया वह भी आएगा, चैत में शादी होगी। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी, पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया, भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे,
और उन दिनों पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था, और बड़े भैया जो तपन थे ना, वो भैया बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जयसूर की तरफ कहीं। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे, एक दिन मेरे साथ रहे। सारी रात वे सो न पाए, घर के बाहर की पता ही नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए, अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे गए। देखो, युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने मुझे आए, एक दिन मेरे साथ रहे। सारी रात वे सो न पाए, घर के बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए, अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार मुझे दे गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले, और मेरे साथ भाभी और बच्चे से दोनों से जानबूझकर एक साथ नहीं मिले। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते थे। आगे, भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले, बोले, इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे गए, और भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि इससे दिल कमज़ोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। रेलवे स्टेशन तक मैं उन्हें छोड़ने गया तो भैया बड़े भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे, यानी हाथ में हाथ रहकर रहे। जीतू, तू बहुत कमज़ोर है, वो कहते हैं, जीतू तू बहुत कमज़ोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। और अपने मेरे शरीर की ओर देख कर कहते हैं, जीतू तू बहुत कमज़ोर है, अपने शरीर का ध्यान रख। आगे, लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, एक दो महीने आराम से घर पर बिताएंगे, बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे। देखो, जाते समय बड़े भैया क्या कहते हैं, लौटने पर आपकी बार खूब लंबी छुट्टी लेकर मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा, और वो भी एक दो महीने आराम से घर पर बिताएंगे, बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, अजीब सा यानी अलग ही। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती, भारतीय सेनाएं मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। देखो, युद्ध की खबरें आती थी, भारतीय सेना मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर हमेशा सतत आगे बढ़ रही थी, लेकिन पर मेरी आंखों में नींद न जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला, लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। देखो, तभी एक रात मुझे तार मिला, तभी एक रात तार मिला, लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ये वज्रपात असह्य हो गया, वज्रपात यानी गहरी चोट थी हमारे लिए वह। यह वज्रपात असह्य था, असह्य यानी जो सहन न हो सके। यह वज्रपात, यह चोट हमें असह्य थी। हम लोगों के लिए माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती, और भैया के मौत की वीरगति को प्राप्त हो गई खबर को माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी के साथ मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपसी ने तो अब आने को लिखा था, तपसी ने तो अब आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया था। तपसी ने तो आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया था। माँ सुबक सुबक कर रोने लगी थी, सह सह कर सुबक सुबक कर रोने लगी थी।
माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई। और अपनी माँ से वो कहता है, माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। परवरिश यानी उनका ख्याल रखना है, उन्हें आगे बड़ा करना है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें संभालना है, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ हम तो है, भैया चल बसे तो क्या हुआ हम तो है, भैया का हम सपना पूरा करेंगे। माँ चुप हो गई, अपने होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। माँ चुप हो गई, अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है, धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है, हरा भरा। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं और घर के सामने लगाए गए बगीचे में लगाए गए पेड़, वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। और वे बड़े हो गए और किन्हीं लगाया था उन्हें, किसने लगाया था, किसने, जिन्हें बाबा ने लगाया था। तीन चार साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे, कुछ पेड़ वे लगा गए थे जो अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए। बाबा ने जो पेड़ लगाए थे उसके बाजू में ही तीन चार साल पहले बड़े भैया भी छुट्टियों में घर आए थे, उन्होंने भी पेड़ लगा वे लगा गए थे जो अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे थे और इसी बीच दूर कुछ गड्ढे और भी चमक रहे हैं जिन्हें अम्मा ने इन्हीं जाड़ों में खुदवाया था। और इन गड्ढों को जो गड्ढे कुछ चमक रहे थे इन्हें अम्मा ने यानी लेखक की माँ ने उसे खुदवाया था, जिन पर पौधे अब मुझे रोपने हैं। और अपनी माँ ने जो गड्ढे खुदवाए थे वो चमक रहे थे जिन्हें अम्मा ने खुदवाया था, जाड़ों में खुदवाया था, अब जिन पर पौधे अब मुझे रोपने हैं यानी लगाने हैं। इस तरह से इस पाठ में रथचक्र यानी जीवन चक्र, इस पाठ में हमने देखा कि रथ का घूमता हुआ यह पहिया है जिसे हम जीवन चक्र कहते हैं। यह पहिया इसी तरह सालों साल चलता रहता है और कई प्रकार की लोगों की जीवन कहानियां चक्र की तरह चलती रहती है। यही बात यहाँ पर हिमांशु जोशी जी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसके कुछ शब्दार्थ है जिसका अर्थ हम क्या करेंगे लेंगे। शैशव बचपन, हर्ष विषाद खुशी और दुख, हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुख, खुशी और दुख, हर्ष विषाद। स्मृतियाँ यानी यादें, अकाल मृत्यु असमय आई हुई मृत्यु, अकाल मृत्यु यानी असमय आई हुई मृत्यु। परिणाम यानी नतीजा, बखान यानी प्रशंसा भरा वर्णन करना, बखान करना यानी प्रशंसा भरा वर्णन करना। पौध यानी छोटे पौधे। पदोन्नति यानी पद में तरक्की, पदोन्नति यानी पद में तरक्की करना, बड़ा औहदा मिलना। चैत यानी हिंदी महीना मार्च अप्रैल में रहता है, चैत्र जिसे हम कहते हैं, चैत यानी चैत्र, हिंदी महीना मार्च अप्रैल। बहुमूल्य यानी कीमती, घमासान यानी भयंकर, घमासान युद्ध, भयंकर युद्ध। निरंतर यानी लगातार, जैसे भारतीय सेना घमासान युद्ध कर आगे निरंतर बढ़ रही थी। वज्रपात गहरी चोट, वज्रपात यानी गहरी चोट। असह्य जो सहन न हो, असह्य यानी जो सहन न हो। रथचक्र यानी रथ का घूमता पहिया अर्थात जीवन चक्र, रथचक्र यानी रथ का घूमता पहिया यानी जीवन का चक्र, जिसे हम अंग्रेजी में कहते व्हील ऑफ ए चैरियट ऑफ साइकिल, साइकिल ऑफ लाइफ। रथ का घूमता पहिया यानी अर्थात जीवन का चक्र। इस तरह से इस पाठ का जो बचा हुआ हिस्सा था उसका भी अध्ययन किया। आगे की ताशिका के समय हम मुहावरे तथा पाठबोध में मौखिक लिखित प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यहाँ तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।
और हाँ, अच्छी तरह इस पाठ में जीवन का चक्र कैसा है, निरंतर चलता रहता है। ये जो MY के पहले का पाठ हमारे पढ़ाई के लिए रखा गया है, इसका अच्छी तरह से आप लोग भी क्या करें, सस्वर वाचन करें और पूछे गए सवालों के अच्छी तरह से जवाब लिखें। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।